साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल मीठा सफर। तो आज का जो व्लॉग है वो है साईं बाबा का उद्यापन। मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ खेलगांव साईं मंदिर, वहां जाके बाबा का आज उद्यापन करूंगी और आपको बताऊंगी कि साईं बाबा का उद्यापन कैसे होता है। जो लोग बाबा को मानते हैं और बाबा की पूजा करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि बाबा का उद्यापन कैसे होता है। तो फिर भी जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बाबा को मानते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो बाबा का व्रत रखें और उनका उद्यापन करें, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए बाबा के मंदिर चलते हैं, वहां पे आपको बाबा के दर्शन कराते हैं और बाबा का उद्यापन कैसे होता है वो आपको बताते हैं। तो चलते हैं। जय साई राम। मैं बाबा के मंदिर आ चुकी हूँ, तो अब जा रही हूँ बाबा का प्रसाद लेने और बाबा का माला लेने, क्योंकि बाबा को पहले माला चढ़ाऊँगी और फिर प्रसाद चढ़ाऊँगी। अभी जो मैंने बाबा के डब्बे बनवाए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रोसीजर पूरा बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर है उद्यापन का, ठीक है।
इतना परेशान कर देते हैं कि पूछो नहीं ये लोग, जबकि इतना अच्छे से हम लोग बांट रहे थे। ये तो डब्बा इसमें बहुत बदतमीजी वाला लेके आया था। हाँ एकदम लूज लूज नहीं, इस बार का जो डब्बा था ना वो टिंकू इतना लाइट था और वो ढीला हो रखा था, जिस वजह से वो सारे के सारे डब्बे खुल जा रहे थे। टेप भी नहीं लगा रहे थे, लगा हुआ था किसी में। हाँ टेप नहीं लगा रहे, जबकि उनको नियम से टेप लगाना चाहिए था उसमें। हाँ जय साईं राम, जय साईं राम, हेलो बोलो। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, इतना परेशान हो गए। आपने देखा होगा कि कैसे बांटने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले ये हो रहा था कि हम उतर के मतलब प्रॉपर तरीके से जाके बांटेंगे, लेकिन जब देखा वो चढ़े आ रहे हैं, बिल्कुल सारे के सारे ऊपर चढ़ जा रहे हैं और जितना सामान जो लोग बांट रहे हैं वो सारा गिर जा रहा है। तो फिर हम लोग, हमें लगा कि हम लोग क्यों ना गाड़ी के अंदर से ही बैठ के करें ताकि सही से बांट सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उद्यापन कैसे करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने बुक्स ली थी, जो बुक्स चढ़ाई थी भगवान को, बाबा को चढ़ा के, और जो भी प्रसाद मैंने बनवाया था वो मैंने भगवान को चढ़ाया था। उसके बाद इसको हम करते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर ये इसका ये होता है कि जैसे आप बाबा के व्रत रहते हो, तो आप बाबा के व्रत जितने भी आपकी इच्छा है, 5, 7, 9 होता है, ठीक है, तो अगर आप रहते हो तो उसके बाद एक उद्यापन, कोई भी व्रत करो तो उसका उद्यापन किया जाता है। तो उसी तरह बाबा के व्रत का है, बट बाबा का व्रत का जो है विधान है वो इतना इजी है कि उसमें कोई दिक्कत, कुछ भी परेशानी नहीं होती है। जैसे अब बाबा का व्रत मैंने किया, मैंने 9 व्रत माने थे बाबा के, तो 9 व्रत वाले दिन क्या होता है कि 9वें दिन, जिस दिन आपका 9वां पड़ता है, उस दिन आपको बाबा का उद्यापन करना होता है, व्रत आपको पूरा कंटिन्यू करना होता है। तो आप कुछ भी बना के बाबा के लिए, कुछ भी बना के, मतलब इसमें मेन चीज है कि इसमें बाबा को आपको गरीबों को खाना देना होता है, इसका ये है। तो मैंने क्या किया कि मैं तो कई बार उद्यापन कर चुकी हूँ बाबा का, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग बाबा का व्रत रहते हैं और उन्हें उद्यापन की सही विधि नहीं पता होती है, तो वो सही से कर नहीं पाते हैं, फिर उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है। तो इसमें सिर्फ यही है कि आप बाबा के नाम से, गरीबों के नाम से कुछ बनाएं, जो भी आप बना सकते हैं। अब जैसे मैंने तो बनाया तो नहीं है, तो मैंने बाहर से सब्जी और पूड़ी खरीदी थी, डिब्बे बनवाए थे हमने, तो वो आपके अपनी इच्छा के ऊपर है कि आप कितने डिब्बे बांटना चाहते हो या कितने लोगों को खाना खिलाना चाहते हो। मेन इसमें बाबा के, क्योंकि बाबा हमेशा ये कहते हैं गरीबों को खिलाओ, बाबा का शुरू से ये रहा है कि आप दान दो, खाने का दान दो, खाना खिलाओ या जो भी आपके सामर्थ है, आपके सामर्थ के हिसाब से आपको लोगों को करना है। तो अब मुझे ये लगा कि मैं तो बाबा, मैं तो खाना खिला सकती हूँ, तो फिर मैंने डब्बे बनवाए, 30 डब्बे बनवाए। आप खाना बना के भी दे सकते हो और बाहर से ऐसे खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने बाबा के वो खाने के डब्बे बनवाए, मैंने 30 डब्बे बनवाए थे खाने के, ठीक है। तो वो मैंने वो डब्बे और बाबा की जो, और बुक्स, हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना कि बुक्स ज्यादा नहीं बांटना, क्योंकि ज्यादा बांटने से प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पढ़ते नहीं, उसको ऐसे ही फेंक देते। तो मैंने सिर्फ 5 बुक्स ली थी बाबा की, बाबा की 5 बुक्स, बाबा की माला अच्छे से, और बाबा का प्रसाद ले जाके बाबा के चरणों में रखा और बाबा से प्रार्थना की कि हे साईं, जो मैंने ये उद्यापन मैं कर रही हूँ ये आप स्वीकार करो, और अब मैं आगे से जब मेरी सामर्थ होगी तो मैं फिर से दोबारा से व्रत उठाऊंगी, और फिर बाहर जाके भोग लगा के बाबा को, बाहर जाके गरीबों को वो डिब्बे आप दे दो। तो उससे क्या, और जो बुक्स हैं और मिठाई का डब्बा जरूर लेना जो बाबा को भोग लगाना आप, और एक बुक उसमें एक मिठाई का पीस आप जिनको भी, जो भी मंदिर में आते हैं, आप गरीबों को नहीं देना वो बुक, आप जो मंदिर में आते हैं, जो बैठे होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन सभी में से सबको एक एक करके एक बुक और एक मिठाई का आप सबको दे देना। तो उससे क्या होगा, आपकी बुक भी चली जाएगी, और बुक ऐसे के हाथ में जानी चाहिए जो बुक पढ़े या उसका आदर करे, और बाकी जो प्रसाद है वो आप बाहर गरीबों में बांट देना। इस प्रकार इसका उद्यापन, साईं बाबा का उद्यापन किया जाता है। तो मैंने तो बाबा का उद्यापन कर दिया है और बहुत अच्छा लगा बाबा का उद्यापन करके, एक तसल्ली सी खुशी, आज मुझे सुबह से ही खुशी थी कि मैं उद्यापन करूंगी। एक सबसे बड़ी बात यह कि आज मैं मंदिर आ रही थी, तो हम लोग जल्दी आ रहे थे कि 6 बजे बाबा की आरती शुरू हो जाएगी, और बाबा की आरती लंबी होती है, तो 6 बजे आए थे, जो हमारे डब्बे देने वाला आया था वो नहीं आया। बाबा बोले ऐसे कैसे चले जाओगे बिना आरती किए, तो बाबा ने तब तक रोक के रखा और जैसी आरती शुरू हुई वो डब्बे वाला आ गया, तो बाबा बोले पूरी आरती खत्म करके ही तुम्हें घर जाना है। तो हमने बाबा की आरती ली और
डब्बे बांटे, उद्यापन अच्छे से किया, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो जय साईं राम। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर देना। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, गुरु जय साईं राम, उमा जय साईं राम, जय साईं राम।